राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटी सी कहानी। कहानी बहुत बढ़िया है, पूरी सुनिए और पसंद आए तो शेयर कर दिए। एक देश था और वहाँ का जो है अपना ही रूल था। वो जो है अपना जो राजा चुने थे, वो जो है वो साल का जो पहला दिन रहे था, मतलब नए साल, उस दिन वो अपना राजा चुनते। और राजा भी का चुनाव भी वो बड़े अजीब तरीके से करे थे। जो भी उस देश की जो सीमा थी उसमें जो है, जो आधी रात पीछे, मतलब आधी रात जब सुबह निकड़ा है, सूरज निकड़ा है, जब उस समय पे जो भी पहला अजनबी हो या कोई भी हो जो भी उनके देश में आवे था, उसने भी राजा बनावे थे किसी अजनबी ने, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन्हें इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था। उनका रूल था भाई साल के पहले दिन जो है भाई सीमा में जो भी बाहर का आदमी प्रवेश करेगा वो राजा बनाया जाएगा। और वे जो है बड़े जोर शोर से उसका स्वागत कर रहे थे, पूरे मतलब अपनी सीम के वहाँ पूरा इकट्ठा हो जाएगा था पूरा वो देश। अब भाई आज देखेंगे आज कौन राजा बनेगा, किसकी किस्मत खुलेगी। तो उनका यू रूल था और जो है रूल यो था, अकबर साल के पहले दिन राजा बनाना और साल के अंतिम दिन, लास्ट वाले दिन 31 दिसंबर ने जो है वे अपने उस राज्य ने मतलब राज्य जो राजा था उसने अपना त्याग पत्र देना पड़ा था। सिर्फ एक साल का राजा बनावे थे, भी एक साल का राजा बनावे थे, साल के पहले दिन बनाना और लास्ट दिन भाई उसने हटाना। और हटा के उनका अजीब रूल, देसी अजीब, अजीब लोग, अजीब रूल, उस राजा ने साल के अंतिम दिन जो है हटा के, और जो उसी देश के साथ उसी देश में जो एक जंगल लगाया था, बहुत भयंकर जंगल, बहुत ज़्यादा भयंकर जंगल, वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ सांप, बिच्छू, सांप और बिच्छू, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं। तो उस राजा ने भी साल खत्म होने के बाद वहाँ पूरे जोर शोर का स्वागत के साथ वहाँ छोड़ गए। और अजनबी ने भी राजा बनावे थे तो किसी ने ये ना पता था अकबर यहाँ का के रूलर के ना, और ना किसी ने परमिशन थी ये बताने की अकबर साल के अंतिम दिन ऐसा होगा। तो पता ना उनके इस देश में तो कितने राजा आए और कितने गए, उनका ये अपना नियम था। और तो एक बार जो लास्ट वाले दिन वो राजा ने छोड़ दिया, तो पूरा जो देश वहाँ सीमा पर खड़ा हो गया। आधी रात पीछे सब इकट्ठे होने शुरू हो जाए, अभी देखेंगे सुबह कौन अजनबी आएगा, अभी किसकी किस्मत खुलेगी, कौन राजा बनेगा, मतलब पूरे तैयारी के साथ वे वहाँ खड़े हो जाएंगे अपने देश की सीमा पर। तो आधी आधी रात पीछे जो है एक अजनबी था और नौजवान था, तो वो आया, उसने सीमा में प्रवेश करा, तो सब बहुत खुश हुए, ढोलना गाड़े तो उनका उसका स्वागत करा। तो वो ही ये सोचे है और वो सिर पर उठा लिया, मतलब इतनी ज़ोरदार स्वागत करा उसका, बहुत ज़ोरदार, क्योंकि उन्हें तो अपना नया राजा मिल गया। उस अजनबी के लिए तो अजीब ही था, लेकिन उसने थोड़ी ना पता था कि तेरे साथ क्या होगा, तो सिर पर उठा लिया और अपना पूरा स्वागत करा उसका। तो वो ये सोचा कि क्या हो गया भाई इनके, इन आदमियों का क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एक उसने कहिया भाई नीचे उतारो मैंने, मेरे को ये बताओ ये क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है, भाई मेरा कुछ समझ में ना आ रही। तो एक बोला भाई हमारे देश का रूल है कोई भी अजनबी आओगा तो वो जो है राजा बनाया जाओगा, और ये ना बताई अगले साल के अंतिम दिन वहाँ छोड़ कर आना जंगल में। तो बड़ा खुश होया, अच्छा मैं तो अजनबी था और मैं देश का राजा बना दिया, इतना खुश होया बहुत ज़्यादा। तो वो जा रहे महीने में, तो वो अपना पूरे ठाट बाँटते रहे है, अपना पूरे स्वाद ले हुआ राजा बन गया, अपना जो कहे वो कम दे वो हाजिर। और तो ऐसे ऐसे करके उसका पूरा साल मतलब ख़त्म हो गया, ख़त्म होने वाला था। तो उसने जो एक अपने उसके गुज्जा मंत्री थे भाई यहाँ का के रूल है, यहाँ जो मेरे से पहला जो राजा आए वे कहाँ गए, बताना तो वो नहीं चाह रहा था, लेकिन इस राजा ने आदेश दिया तो भाई वे मान्य थे। तो उसने बड़ी मुश्किल तय और उसने बताई अगर राजा साहब
हमारे देश का रूल है, भाई साल के पहले दिन बढ़ाया जाओगा राजा, और साल के अंतिम दिन उसने जो है जंगल में छोड़ दिया होंगे। तो गुरु बोले अच्छा, उसने भाई वहाँ सांप बिच्छू, उसने पूरी कहानी बता दी। तो एक बार तो वो घबरा गया, भाई ये तो बहुत बुरा काम है, मैं तो मतलब एक साल के अपने ऐस लेना आया था, मन तो अभी अपनी जिंदगी और भी जीनी है। तो वो जो है अपना दिमाग लगावे, और दिमाग लगा के और वो आदेश देवे, वही सबने बुलावा है उसमें, अपना पूरा मंत्रिमंडल ने बुलावा और कह रहे वो जो जंगल है अपनी अपनी सीमा में, जो अपने देश में जंगल है वहाँ तक जो आदेश दिया जावे, भाई उस महल पे लेके और उस जंगल तक सड़क बनाई जावे, और वहाँ जंगल जंगल में एक महल बनाया जावे, बाग बगीचे पूरी सुविधा जो वो फिलहाल जो राजा के उसमें भाई कर अपनी मौज कर रहा था, वैसे ही उसने सब कुछ वो वहाँ जंगल में करवा दिया। क्योंकि तो उसने पता था अभी टाइम थोड़ा रह रहा है और जाना तने भी पड़ेगा वहाँ, इतने भी छोड़ पाओगे जो सुख सुविधा जो मिल रही है वो वहाँ थोड़ी ना मिलेगी। तो वो तो अपने पहले का इंतजाम कर लिया, अपना दिमाग लगा लिया भाई जब जाना ही वही है तो वहाँ भी क्यों ना सुख सुविधा ली जावे। वो अपना पूरा वहाँ महल ठाट बाट पूरे अपना वो कर ले रहा है। तो लास्ट अंतिम दिन जब आवे है और तो वो कहवे है वहाँ कहवे की है, वे तो खुद ही तैयार हो कहा जावे, क्योंकि उनके लेखे तो राजा ने पता ही ना, राजा तो भाई ना पता तो उन्हें जानागा भी कुछ भाई जलसाई होगा कुछ। तो वे कहवे चलो राजा जी वहाँ चलो, आपने भी आप वहाँ छोड़ का होंगे। और तो उन्होंने बोला अच्छा भाई चलो छोड़ो छोड़ का हो। और तो एक नु कहवे नहीं भाई इस राजा ने हम नहीं छोड़ का होंगे। तो वो कहवे क्यों मैंने क्यों ना छोड़ का हो, नहीं आप तो मतलब बहुत तेज निकले शाणे निकले, बुढ़ा था उसने कही आपने तो जो है भाई बहुत तेज बादशाह निकले राजा निकले आप तो, आपने तो जो सुख सुविधा यहाँ भोगी है महल में आपने तो उसका इंतजाम पहले ही करवा दिया जंगल में, ये आप भाई आपने तो जो हम तो सिर्फ जो है उन राजा ने छोड़ काम थे जो पूरी साल तो राजा के ऐसे ले हुए थे पूरी सुख सुविधा उठा में थे और अपना इंतजाम नहीं कर पाए। अब भाई हम वहाँ जाना है भाई वहाँ जाएंगे तो हमने सांप बिच्छू खाएंगे, और उन तब बच भी गया तो भाई हम भूखे मर जाएंगे क्योंकि वहाँ तो सांप बिच्छू के अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों देखो कहानी तो ये ख़त्म होगी ही लेकिन ये हमने सीख दे रही है, अकबाई जी जो वहाँ सांप बिच्छू है और जैसे हम हैं भाई आज ना कल तो सबने जाना है, ये तो सृष्टि का नियम है पक्का नियम है, किसके कितने सांस है किसी ने कुछ नहीं पता। तो जो है वो जंगल जो है वो तो भाई हम हैं, और जो सांप बिच्छू जो है वे हमारे कर्म है। तो मतलब ये कहानी ये समझाना चाह रही है भाई अच्छे कर्म कर लो, जो इस जिंदगी में हम जो भोग रहे हैं जाना तो हमने लास्ट में वही है जंगल में शमशान घाट में जाना तो सबने वही है, आज ना तो कल सबने जाना है। और वो जो सांप बिच्छू है भी हमारे कर्म है, अगर हम अच्छे करेंगे तो हमने भाई वहाँ वो अच्छा वो मिलेगा माहौल मिलेगा, मतलब राजा की तरह जीवन जीवेंगे जो राजा ने सुख सुविधा भोगी है वैसे ही हम भोगेंगे। मतलब ये है कहने का कि जो जंगल है वो तो शमशान घाट है, जो सांप बिच्छू है भी हमारे कर्म है, हम अच्छे करेंगे तो हमने अच्छा भोगेंगे। तो ये कहानी तो भाई यही संदेश दे रही है भाई अच्छे कर्म कर लो, सांप बिच्छू तो बच जाओ भाई पूरी, जैसे अब सुख भोग रहे हो मरने के बाद भी अच्छे सुख भोगो, अच्छा जीवन मिले अच्छा अच्छा आपका भाई टाइम बीतता है। तो भाई ऐसा ही है इस कहानी का ये मतलब, तो भाई अच्छे कर्म करो और अपना आगे का जीवन सुधारो, अगर आगे का जीवन सुधर गया तो भाई मुक्ति मिल जाएगी, बार बार जन्म ना लेने पड़ेंगे और आप खुश सही रहोगे खुश रहोगे। तो ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।